तो यार आज पावरफुल लैपटॉप्स की बात करेंगे जो कि आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा सही होने वाले। अगर आप पढ़ते हो या पढ़ाते हो या अगर आप आर्किटेक्चर हो तो यार स्पेशली वीडियो सिर्फ आपके लिए। वीडियो को पूरा देखना, स्किप और मत करना। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मेरा इंट्रो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन, रॉबिन औजला। वेलकम टू दी अनबॉक्सिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे चैनल पे। अगर चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक एंड इंस्टाग्राम पे करो फॉलो। लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका बजट 90,000 से लेके 1,10,000 है, इस प्राइस रेंज की बात करेंगे, 2,00,000 के बजट तक जाएंगे। एंड मैं आपको कहना चाहता हूँ भी, अगर आपका बजट 90,000 से कम है, मैंने पहले ही उसकी वीडियो की हुई है मेरे चैनल पे, आपको देखने को मिल जाएगी, उसको चेकआउट कर लेना। अगर आपने इस वीडियो को देखना है तो पूरा देखना, इसके ऊपर मत करना, कोई चीज मिस मत कर देना। सीधी सी बात है यार, अभी स्टार्ट करते हैं। सीधी बात करते हैं, अगर आपका बजट 90,000 से लेके 1,10,000 है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो यार अभी बात करते हैं, अगर आपका बजट 90,000 से लेके 1,10,000 हो जाता है इस प्राइस रेंज में, मैं आपको कहना चाहता हूँ भाई मैंने रखे हैं 3 लैपटॉप, तीनों लैपटॉप आपको पूरे लोडेड मिलने वाले हैं। सीधी बात करते हैं, ज़्यादा समय खराब नहीं करते, सीधी बात करते हैं नंबर थ्री की बात करूँ। नंबर थ्री पर मैंने रखा है असूस रॉग सेप्टिक्स को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, सबसे पहले आपको 90,000 के बजट में मिल जाता है, प्लस ये स्टाइलिश डिज़ाइन में मिलता है, उसके साथ साथ भी इसके स्पेसिफिकेशन बहुत लोडेड। आपको 16 GB रैम मिल जाएगी, 4 GB ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, 144 रिफ्रेश रेट के साथ इसकी डिस्प्ले क्वालिटी मिल जाती है। तो भाई 90,000 के बजट में 16 GB रैम मिल जाना, 4 GB ग्राफिक कार्ड मिल जाना एंड इतनी अच्छी डिस्प्ले डिज़ाइन वगैरह मिल जाना, सच में मैटर करता है भाई। अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, मतलब अगर आपने माया जैसे सॉफ्टवेयर पे काम करना है, 3D सॉफ्टवेयर पे काम करना है, आप इजीली नॉर्मली कर सकोगे, आपको कोई भी लैगिंग इशू प्रॉब्लम वगैरह नहीं आने वाली। अभी मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर ले तो यार आपसे वो थोड़ी सी डीपली बता देता हूँ। तो यार डिस्प्ले की बातों को 15.6 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि IPS लेवल डिस्प्ले, जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। तो यार 144 रिफ्रेश रेट सच में मैटर करता है, आपकी डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी होने वाली है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको i5 भी मिल जाएगा, आपको i7 भी मिल जाएगा। स्टोरेज की बातों को 8 GB भी मिल जाएगा, आपको 16 GB मिल जाएगा एंड स्टोरेज का वेरियंट भी आपको डिफरेंट मिल जाएंगे। ग्राफिक कार्ड की बातों को 4 GB ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, आपको विंडो 10 देखने को मिल जाएगी। बैटरी लाइफ की बात करूँ तो सच बताऊँगा तो आपको 7 आवर्स का बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देता है, अगर आपने ज़्यादा भी यूज़ करना तब भी, ठीक है। प्राइस की बात करूँ, 85,000 से लेके आपको ये 95,000 के बजट में असूस रॉग सेप्टिक्स G15 देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया असूस रॉग सेट्रिक्स के। अभी आगे बात करते हैं नंबर टू की। नंबर टू पर यार मैंने रखा है असूस रॉग ज़ेब्रस G14 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, 2020 में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला, प्लस ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला लैपटॉप है, बिकॉज आपको एक स्टाइलिश प्रीमियम कलर के साथ देखने को मिलेगा। आपको बैक साइड में लाइटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हो एंड आपको 8 GB रैम भी मिल जाएगा, 16 GB रैम भी मिल जाएगा, आपको 4 GB ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा, आपको 6 GB ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा। ये लैपटॉप बेस्ट है फॉर एनिमेशन के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, कोडिंग के लिए। अगर आप आर्किटेक्चर हो, स्टूडेंट हो, अगर आप ऑफिस वर्क में यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, लेकिन कई बंदे होते हैं जिनको ये डिजाइन नहीं चाहिए होता, ठीक है। तो ये चीज आप देख लेना, प्लस अगर आपने गेमिंग करनी है, लाइव स्ट्रीम करनी है, जैसे भी यूज करना, कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना, आप इजिली नॉर्मली कर सकते हो, बिकॉज इसके स्पेसिफिकेशन ही बहुत तगड़े मिल जाते हैं। आपको एंटी डस्ट कूलिंग मिल जाती है, डुअल फैन मिल जाते हैं, और भी स्पेसिफिकेशन बहुत है। आपको 120 रिफ्रेश रेट के साथ इसकी डिस्प्ले मिल जाती है। मैं मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर ले तो आपको थोड़ा सा डीपली पता चल जाएगा। तो यार डिस्प्ले की बातों को 14 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। प्रोसेसर की बातों को AMD राजन 5 देखने को मिलता है 4600HS के साथ। स्टोरेज की बातों को 8 GB रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो 32 GB तक, प्लस आपको 1 TB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करो, आपको NVIDIA GeForce RTX 1650 भी मिल जाएगा, 2060 भी मिल जाएगा, 2070 भी मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, आपको विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बातों को 10 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाता है। प्राइस की बात करूँ, आपको 90,000 से स्टार्ट हो जाता है, इसका प्राइस आपको 1.5 लाख के बजट तक भी देखने को मिल जाएगा। मतलब जितना पे करूंगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको सूस रॉक ज़ेब्रस G14 के भी बता दिए। ये लैपटॉप भी सच में बहुत ज़्यादा सही है। अगर मेरा बजट इतना होता ना तो भाई मैं सच में इसी लैपटॉप की और ज़्यादा, बिकॉज मुझे एक स्टाइलिश डिज़ाइन भी चाहिए यार। अगर आपको भी वो चीज़ मैटर करती है, आप जा सकते हो। अभी आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ यार, नंबर वन पर मैंने रखा है Acer Concept D को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ भाई, अगर आप आर्किटेक्चर हो, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन करते हो, अगर आप एनिमेशन करते हो, तो सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपकी डिस्प्ले, ठीक है। इसमें आपको 4K डिस्प्ले देखने को मिल जाती है एंड इसके स्पेसिफिकेशन भी बहुत तगड़े
में मिल जाता है। स्टार्ट हो जाता है ये 85,000 से, 80,000 से स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो आपको 80,000 से स्टार्ट हो जाता है। इसका प्राइस आपको 1,10,000, 1,20,000 के बजट में भी देखने को मिल जाएगा। एंड ये व्हाइट कलर में देखने को मिलता है, बहुत सूट करता है भाई। इसको भी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, मैं आपको डीपली बता देता हूँ। तो डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 15.6 इंच 4K अल्ट्रा HD डिस्प्ले मिल जाता है। प्रोसेसर की बातों को i5 8th जनरेशन के साथ मिलता है, ठीक है। आपको 10th जनरेशन भी मिल जाएगा, आपको i7 भी मिल जाएगा, ठीक है। आप स्टोरेज की बात करूँ, आपको 8GB रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बातों को AMD Radeon RX Vega 4GB मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बात करूँ, आपको 7 आवर्स का बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देता है। प्राइस मैंने आपको पहले बता दिया था कि 90,000 से स्टार्ट हो जाता है, 1,00,000 तक भी इसका प्राइस चल जाता है। इस कॉन्सेप्ट डी बहुत तगड़ा लैपटॉप है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट डी के भी बता दिया, अगर आपने इस लैपटॉप की ओर जाना आप इस लैपटॉप की ओर भी जा सकते हो। तो यार अभी मैंने आपको 3 लैपटॉप बता दिए जो कि 90,000 से लेके 1,10,000 के बजट में आपको नॉर्मली इजीली मिल जाएंगे। प्लस सभी के लिंक मैंने प्रोवाइड किए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, उसको चेकआउट भी कर लेना। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 1,10,000 से लेके 1,30,000 हो जाता है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो इस प्राइस रेंज में भाई मैंने फिर से रखे हैं 3 लैपटॉप, ठीक है। बात करते हैं नंबर थ्री की बात करूँ, नंबर थ्री पर यार मैंने रखा है ASUS ZenBook Duo को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, सबसे पहले आपको 16GB रैम मिल जाती है, आपको डुअल डिस्प्ले मिल जाती है यार। सेकंड डिस्प्ले आपको टच स्क्रीन देखने को मिलेगी, एंड इसका डिज़ाइन, इसकी लुक वगैरह भी आपको बहुत पसंद आने वाली है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए। प्लस ये बना ही क्रिएटर्स के लिए भाई, अगर आप एनिमेशन करते हो, 3D एनिमेशन करते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, कोडिंग करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो, प्लस अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, आप सभी के लिए ये लैपटॉप बना है। अभी बात करते हैं डिस्प्ले की, तो आपको 14 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि IPS लेवल डिस्प्ले है। सेकंड डिस्प्ले की बात करूं, आपको 12.6 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि IPS लेवल डिस्प्ले, ये भी मिल जाती है जो कि आपको टच डिस्प्ले मिलेगी। प्रोसेसर की बात करूं, आपको i7 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बातों को 16GB रैम मिल जाती है, प्लस आपको 1TB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बातों को NVIDIA GeForce MX250 मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बात करूं, आपको 10 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाता है। प्राइस की बात करूं, आपको 1,25,000 के बजट में ASUS ZenBook Duo देखने को मिल जाती है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको ASUS लैपटॉप के बता दिया, अभी बात करते हैं नंबर टू पर। यार मैंने रखी है HP Spectre X360। तो यार सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत इंटरनेशनल क्रिएटर्स के पास आपको ये लैपटॉप देखने को मिलेगा। एंड भाई इसके स्पेसिफिकेशन भी आपको पूरे लोडेड मिल जाते हैं। अगर आपने लॉन्ग टाइम पीरियड काम करना, आप इजिली नॉर्मली कर सकोगे, आपको बहुत पसंद आने वाला है। उसके साथ साथ हम ये बात करते हैं, अभी आपको एक स्टाइलिश प्रीमियम कलर के साथ देखने को मिलेगा। 2 कलर्स में आता है, जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, तो यार डिस्प्ले की बातों को 15.6 इंच 4K डिस्प्ले मिल जाती है जो कि टच स्क्रीन है, जो कि HP पेन के साथ आती है, ठीक है। प्रोसेसर की बात करूं, आपको i7 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बातों को 16GB रैम मिल जाती है, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूं, आपको GTX 1660 Ti मिल जाएगा, वो भी 4GB के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बात करूं, आपको 30 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाता है। प्राइस की बातों को 1,20,000 से स्टार्ट हो जाती है, एंड इसका प्राइस भाई 2,00,000 के बजट तक भी जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया HP Spectre X360 के भी। अभी आगे बात करते हैं नंबर वन पर। यार मैंने रखी है माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस 3 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं भाई, अगर आपको एक स्लिम एंड स्टाइलिश डिज़ाइन चाहिए, कलर वाइज में आपको प्रीमियम टच होना चाहिए, उसके साथ अगर आपको 2-in-1 लैपटॉप चाहिए, एंड अगर आप आर्किटेक्चर हो, आपको ये लैपटॉप चाहिए, आपके लिए ये लैपटॉप परफेक्ट डील हो सकता है। इसमें आपको 8GB रैम भी मिल जाएगा, 16GB रैम भी मिल जाएगा, 32GB रैम भी मिल जाएगा। मतलब जितना पे करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिकेशन मिलते जाएंगे। एंड इसका बजट जो है ना, वो आपको 90,000 से स्टार्ट हो जाता है, इसका बजट यार 2,00,000 के बजट तक भी जाता है। तो आप देख लेना, जो भी स्पेसिफिकेशन आपको चाहिए आप उसके और जा सकते हो। आर्किटेक्चर हो तो आपको बहुत सूट करने वाला, अगर आप कहीं लेकर जाओगे ना तो वो चीज़ आपकी मतलब पर्सनैलिटी को आगे लेकर जाएगी। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, तो डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 13.5 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि टच डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बातों को i5 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 8GB रैम मिल जाती है, प्लस 128GB SSD देखने को मिलेगी। मैंने आपको पहले रिपीट कर दिया था, i5 भी मिल जाएगा, i7 भी मिल जाएगा, आपको 8GB भी मिल जाएगी, आपको 16GB रैम भी मिल जाएगी, स्टोरेज भी आपको इंक्रीज मिल जाएगी। ग्राफिक कार्ड आपको 4GB भी मिल जाएगा, आपको इंटरनेट प्लस भी देखने को मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बात करूँ, आपको 11 आवर्स का बैटरी लाभ मिल जाता है। प्राइस की बात करूँ, 90,000 से स्टार्ट हो जाता है, 2,00,000 के बजट तक आपको देखने को मिल जाती है।
तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस 3 के भी बता दिया। अगर मेरा बजट भी भाई इतना होता ना तो मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस 3 की और ज़्यादा, बिकॉज सच में इसका डिज़ाइन, इसकी लुक एंड इसके स्पेसिफिकेशन सच में बहुत अपर देखने को मिल जाते हैं। एंड आपका काम ऐसा है यार, अगर आप आर्किटेक्चर हो ना तो आपके हाथ में पकड़ी होंगी, होल्ड की होंगी, कहीं लेकर जाओगे ना वो सच में बहुत सूट करने वाली है। प्लस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी आपको पूरी लोडेड मिल ही जाती है यार। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 1.5 लाख से लेकर 2 लाख हो जाता है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो अभी बात करते हैं, अगर आपका बजट 1.5 लाख से लेकर 2 लाख हो जाता है तो इस प्राइस रेंज में भाई मैं तो आपको सीधा कहने वाला हूँ कि आपको एप्पल मैकबुक प्रो की ओर जाना चाहिए या एप्पल मैकबुक 13 की ओर जाना चाहिए। प्लस मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपको 16GB रैम की ओर जाना, आपने 8GB रैम की ओर नहीं जाना, ठीक है। वैसे देखा जाए ओवरऑल ये जो दो लैपटॉप है ना वो बहुत ज़्यादा सही है, बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने 16GB रैम की ओर मिनिमम जाना ही जाना है। तो यार अभी मैंने आपको इतने लैपटॉप बता दिए, प्लस मैं आपको कहना चाहता हूँ अगर आप 90,000 के बजट में ASUS ROG ZTRAX की और भी चले जाते हो ना तो भाई आपके पैसे बिल्कुल भी नहीं ख़राब होने वाले। उसके स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़े, लैपटॉप बहुत तगड़ा मिल जाता है, ठीक है। तो आप देख लेना, जो भी आपको सही लगता है आप ले सकते हो। प्लस मैं आपको कहना चाहता हूँ आपको 5% या 10% ऑफ भी मिल जाएगा सभी लैपटॉप में अगर आप Amazon पे ऑर्डर करोगे, अगर आप HDFC या SBI का कार्ड यूज़ कर लेते हो, ठीक है। मैंने लिंक प्रोवाइड किया, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो उसको चेकआउट कर लेना। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, इंस्टाग्राम पे कर फॉलो, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।